अमरिंदर सिंह जी, झाकड़ जी, रावत जी स्टेज पे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 6 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और पिछले 6 सालों में उन्होंने इस देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। उल्टा जो गरीबों को मिलता था, किसानों को, मजदूरों को मिलता था, उसको भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ साल पहले 8 बजे नरेंद्र मोदी टीवी पर आते हैं और कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है, 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द किया। नुकसान किसको हुआ? नुकसान हिंदुस्तान के अरबपतियों को नहीं हुआ। लाइन में अरबपति नहीं खड़े थे, करोड़पति नहीं खड़े थे, लाइन में किसान था, मजदूर था, छोटा दुकानदार था, आम जनता थी, युवा थे, महिलाएं थी। आपने उनको अपना पैसा दिया, अपनी जेब से निकालकर आपने काले धन से लड़ने के लिए बैंक में अपना पैसा डाला, लाखों करोड़ रुपए। आपको कष्ट हुआ और फिर क्या हुआ? काले धन को कोई फर्क नहीं पड़ा, नरेंद्र मोदी जी ने सीधा आपका पैसा लिया और हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया सीधा। आपको शायद पता भी नहीं लगा क्योंकि अखबारों ने नहीं लिखा, मगर आपके पैसे से इन लोगों का कर्ज माफ हुआ। उसके बाद नरेंद्र मोदी आते कहते हैं हिंदुस्तान में एक टैक्स होगा, GST। अजीब सी बात है, प्रधानमंत्री ने कहा था एक टैक्स होगा और आज GST में 5 टैक्स, 28% तक टैक्स। प्रधानमंत्री ने कहा था टैक्स सिस्टम को सरल करेंगे, हुआ क्या? आज किसी भी छोटे व्यापारी से पूछिए, किसी भी दुकानदार से पूछिए, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों से पूछिए, GST से क्या हुआ आपको बताएगा। हम खत्म हो गए, हमें बर्बाद कर दिया और फिर कहेगा आज तक हमें नहीं समझ आई GST कैसे भरी जाती है, कब भरी जाती है। अब आप देखिए, बड़ा उद्योगपति होता है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, उसे 10 अकाउंटेंट चाहिए, 10 मिल जाएंगे, 50 चाहिए, 50 मिल जाएंगे, 100 चाहिए, 100 मिल जाएंगे, 200 तो 200, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आसानी से GST भर लेते हैं। किसी को रिश्वत देनी है, रिश्वत दे देते हैं। और जो छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, वो कहां से अकाउंटेंट लाएगा? हर महीने उसको GST भरनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है, 5 अलग अलग टैक्स आते हैं, 28% टैक्स है। क्यों किया?
क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े दो तीन उद्योगपति की मदद करना चाहते हैं। इन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी रास्ता साफ कर रहे हैं। पहला कदम नोटबंदी, दूसरा कदम जीएसटी, तीसरा कदम कोविड। कोविड में क्या करा? कहा 22 दिन में कोविड के खिलाफ लड़ाई जीती जाएगी। हो गए 22 दिन, जीत गए लड़ाई। अगर 22 दिन में लड़ाई जीती गई तो ये मास्क क्यों पहने सब लोग? अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? कोविड आता है, लाखों मजदूर हिंदुस्तान में कितनी मंडियां हैं? हजारों मंडियां हैं। कितने हैं? 7,000 मंडी। मंडियों में किसान जाते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, मजदूर काम करते हैं, लोडर्स होते हैं, लाखों लोग इन मंडियों में काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, मुझे बताइए उनका क्या होगा? क्या अदानी और अंबानी और आप मिलकर उनको रोजगार देंगे? आपको लगता है कि अदानी जी इन लाखों लोगों को रोजगार देंगे? सवाल नहीं उठता, ये भूखे मरेंगे सब, ये भूखे मरेंगे सब। आपने छोटे बिजनेस को उड़ा दिया, दुकानदारों को खत्म कर दिया, मिडिल साइज बिजनेस को खत्म कर दिया। रोजगार देश को कौन देता है? ये लोग देते हैं। आज हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। और आप देखना, 6 महीने रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ और फिर देखना क्या होता है। हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। चाइना घुस गया अंदर, हिंदुस्तान की जमीन में आज चाइना बैठा हुआ है। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं चाइना नहीं घुसा। 1200 किलोमीटर जमीन हमारी उठा के ले गया है। कैसे सपना देखा चाइना ने कि वो हिंदुस्तान की जमीन में घुस सकता है? मैं बताता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। आज ये देश जो मनमोहन सिंह जी के समय 9% जीडीपी पर चलता था हर साल,
आज ये -24% पे है। कहां 9% आगे की ओर, कहां 24% पीछे की ओर। जहां ये देश अपने युवाओं को रोजगार देता था, आज इस देश के युवा आगे पीछे दौड़ते हैं। भैया नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्रों की मदद करने के लिए इस देश को नष्ट कर दिया है। अभी जनता को बात समझ नहीं आई, अभी ठहरिए, अभी थोड़ा ठहरिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। यह देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा, किसान अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाएगा, और चाइना वहां रुकने वाला नहीं है। चाइना समझ गया है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को कमजोर कर दिया है, इसीलिए वो चाइना हिंदुस्तान की जमीन में खड़ा हुआ बैठा है। इसीलिए हमारे जवान, 20 जवान शहीद हुए, 20 जवान शहीद हुए। हमारा प्रधानमंत्री कहता है चाइना के लोग इस देश में नहीं आए, तो 20 जवान क्यों शहीद हुए, किसने मारा उनको, किसकी जमीन में थे हमारे जवान? चाइना में थे क्या? वो हिंदुस्तान में थे, तो हिंदुस्तान में थे तो किसने मारा उनको? हमारे 20 लोग कैसे मरे? प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, हमारी जमीन के अंदर कोई नहीं। किसान से कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में अपना माल बेच पाओगे। देश से कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है। छोटे दुकानदार से कहते हैं जीएसटी लो, और अंत में पूरा का पूरा पैसा इन दो लोगों को। ले अंबानी जी, ले अदानी जी, ले अंबानी जी, ले अदानी जी। और 24 घंटा ही प्रेस में बैठे हैं, 24 घंटा ये उनका काम करते हैं। इतनी गलती नहीं है, मैं इनको गलती नहीं दे रहा हूं, इनका कंट्रोलर किसी और के हाथ में। ये बेचारे काम करना चाहते हैं मगर इनका कंट्रोलर इनके हाथ में नहीं है। इनका कंट्रोलर उन्हीं लोगों के हाथ में है जो आपका खेत छीनना चाहते हैं, उन्हीं के हाथ में है। और इसीलिए आपको टेलीविजन पे ना अमरिंदर सिंह जी दिखेंगे, ना राहुल गांधी दिखेगा, ना गडकरी जी दिखेंगे, ना ममता जी दिखेंगी, कोई नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखेगा। ये आपके देश की, हमारे देश की हालत है, ये हिंदुस्तान की हालत है। और देखिए सच्चाई से कोई नहीं बचता। अगर देश को आंख बंद करनी है, सही बात, कर लो बंद। किसान को आंख बंद कर लिए, सही बात, कर लो बंद। मगर याद रखना, गुरु नानक ने जो कहा था, सच्चाई आपके सामने आएगी, सच्चाई से आप नहीं बच सकते। कभी ना कभी, कभी ना कभी आपके सामने, चेहरे के सामने सच्चाई आएगी, और आपको, आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, हमको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। गुरु नानक ने कहा था अभी आज सच्चाई का सामना करो, इसलिए वो आपके गुरु हैं, इसलिए उन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि वो सच्चाई से नहीं डरते थे, सीधा जो था वो कह देते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का और पंजाब का ये इतिहास है। हजारों साल से आप नहीं डरे, जब आपने सच्चाई देखी आपने उसको माना। ये रास्ता आपके गुरुओं ने आपको दिखाया, इस रास्ते पर आपको चलना ही होगा, इस रास्ते से आप उतर नहीं सकते,
ये आपका धर्म है, ये आपके संस्कार हैं, ये आपका इतिहास है, ये मैं आपको बताने आया था। आप देश की रीढ़ की हड्डी हो, आप भूलो मत। कोई साधारण लोग नहीं हो आप लोग, आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हो। आप लोगों ने, बाकी प्रदेशों ने नहीं, आप लोगों ने, पंजाब ने इस देश को भोजन दिया। जब यह देश भूख से मरता था तब पंजाब की जनता खड़ी हुई, पंजाब की जनता ने कहा हम हिंदुस्तान को भोजन देंगे। ओडिशा ने नहीं कहा था, मणिपुर मेघालय ने नहीं कहा था, उन्होंने दूसरे काम किए, मगर पंजाब ने कहा हम इस देश की रक्षा करेंगे, हम इस देश की इज्जत की रक्षा करेंगे और हम इस देश को भोजन देंगे। शायद 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 ये जनरेशन जो है, शायद ये जनरेशन भूल गई, शायद ये जनरेशन भूल गई, मैं सच बोलता हूं, शायद आज की जनरेशन है वो भूल गई, पैसा आ गया, रास्ते खुल गए। मगर ये जो आपके माता पिता थे, उनके जो माता पिता थे वो नहीं भूले थे, उन्होंने कहा था हिंदुस्तान को भोजन की जरूरत है, हम भोजन देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर भोजन देंगे। और आज ये प्रधानमंत्री जी आपसे आपका हक छीनते हैं, अंबानी को देने के लिए, अदानी को देने के लिए, और आप शांत बैठे हो, हरियाणा शांत बैठा है, मुझे बात समझ नहीं आ रही है, कैसे हो सकता है कि पंजाब के लोग, बब्बर शेर गुरु के लोग देखते ही रह जाएंगे, उनकी जमीन छीनी जाए, उनका धन छीना जाए, उनका भविष्य छीना जाए, पंजाब के लोग देखते रहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री अदानी और अंबानी को पैसा देना चाहता है, क्या हो गया आप लोगों को? नहीं ठहरो, आप लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए, सिर्फ पंजाब को नहीं, पंजाब को, हरियाणा को, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, गुजरात को, सबको खड़ा हो जाना चाहिए और कहना चाहिए नहीं, हम मानने को तैयार नहीं है, आप हमारी जमीन नहीं ले सकते हो, आप हमारा भविष्य नहीं ले सकते हो, हम नहीं लेने देंगे, देखो क्या कर, दिखेंगे क्या कर सकते हो। यह मैं आपसे कहना चाहता था, और यह भी कहना चाहता हूं मैं आपके साथ खड़ा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं डरता इन लोगों से, जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं देने को तैयार हूं। आप सबका आप सबको भैया शांत हो जाए, आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं जानता हूं इस देश को छोड़िए, इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो पंजाब के लोगों को, पंजाब के किसानों को, पंजाब के मजदूरों को, पंजाब के छोटे दुकानदार व्यापारियों को हिला सकते। मैं जानता हूं कोई भी तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, मगर पंजाब को कोई नहीं हिला सकता, मैं जानता हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल गांधी जी, तुसी आए साडा हौसला वधिया, मैं थोनू विश्वास दवाना लोगों वालों कि असी मोदी नू पंजाब तो नहीं बढ़न दिया, थोड़ा आशीर्वाद चाहिए, असी सारे हिंदुस्तान चो भजा देंगे, पंजाब के लोगों च किसान का, मजदूर का, व्यापारी इन्ने मजबूत है, तकड़े होके, थोड़ा आशीर्वाद चाहिए, असी दिल्ली दे सरकार दिया जड़ा हिला देंगे। हुण मैं अखीर च सर निर्मल सिंह जी MLA सतराणा नूं बेनती करांगा कि राहुल